नमस्कार दोस्तों, बीआर न्यूज में आपका स्वागत है। ये दुनिया कितनी बड़ी है, यहाँ हम क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, और ये तो हम सभी जानते हैं कि इस धरती पर सिर्फ हमारा ही अधिकार नहीं है। जितनी ये धरती हमारी है उतनी ही जानवरों की भी है, और आज इन जानवरों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। वो न सिर्फ इस धरती पर रहते हैं बल्कि हमारे शरीर के अंदर भी उन्होंने अपना घर बनाया हुआ है। फ्लाइज। ज्यादातर लोगों के लिए मक्खी एक पालतू जानवर के तौर पर ही होती है। बात सही भी है, क्योंकि कौन सहन करेगा उसे जब किसी के खाने में मक्खी गिर जाए, और तब क्या होगा जब कोई जिंदा मक्खी हमारे शरीर में घुस जाए। इलिनॉइस शहर में कैथरीन नामक महिला के कान से जिंदा मक्खी बाहर निकाली गई। 92 साल की महिला को पहले तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उनके घर में काम करने वाले नौकर ने ये नोटिस किया कि ये महिला बार बार अपना कान खुजला रही है, और जब हॉस्पिटल में उन्हें ले जाया गया तो सभी डॉक्टर्स हैरान हो गए, क्योंकि उनको कैथरीन के कान में न सिर्फ एक जिंदा मक्खी मिली जो इधर उधर घूम रही थी, बल्कि उस मक्खी ने कैथरीन के कान में अंडे भी दे रखे थे। जरा सोच के देखिए क्या हाल हुआ होगा उनका। स्पाइडर्स। हम में से ज्यादातर लोगों को मकड़ियाँ कुछ खास पसंद नहीं होती, और अगर आप एथनोफोबिया से पीड़ित हैं, तो इस 8 पैरों वाले जानवर को देखकर पक्का चौंक जाते होंगे। पर इस बात में भी कोई शक नहीं कि मकड़ियाँ हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही जरूरी हैं, क्योंकि ये भी फूड साइकिल का एक हिस्सा है। लेकिन ये एनवायरनमेंट में रहे तो ठीक, लेकिन तब क्या होगा जब किसी इंसान के अंदर ये पाई जाए। चाइना में रहने वाली एक महिला जब अपने ऑफिस पहुंची तो कुर्सी पर बैठते ही वो अपना कान खुजाने लगी। जब शाम को घर जाने से पहले वो डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर को टॉर्च लाइट जलाने पर कुछ अजीब दिखा। वहाँ उनको एक छोटी सी मकड़ी मिली जिसने उस महिला के कान को अपना घर बना रखा था। डॉक्टर ने बताया कि शायद जब महिला सो रही होगी तब ये मकड़ी उनके कान में घुस गई होगी। कैंडीरू। अमेज़न नदी का इलाका ऐसा है जहां आपको जीने के लिए हर साधन मिल जाएगा, लेकिन इसी नदी में एक छोटी सी मछली भी पाई जाती है जिसे हम आज तक फिल्मों में देखते आए हैं, और इसका नाम कैंडीरू है। दरअसल ऐसे बहुत से केसेस पाए गए हैं जिसमें लोगों ने उनके प्राइवेट पार्ट्स में दर्द होने की शिकायत की, और जांच करने पर उनके शरीर से ये छोटी सी मछली निकाली गई। असलियत में ये मछली इतनी छोटी है कि अमेज़न नदी के अंदर तैरने वाले लोगों के प्राइवेट पार्ट्स से होते हुए उनके शरीर को अपना घर बना लेती है, और आज तक ये कोई नहीं समझ पाया कि ये मछली मानवों के प्राइवेट पार्ट्स को अपना क्यों घर बनाती है। और दुखदायी बात तो यहाँ ये भी है कि इस मछली के शरीर पर छोटे छोटे कांटे होते हैं जो हमारे शरीर से चिपक जाते हैं, जिससे इसे बाहर निकालना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ईल्स। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लोग अपनी त्वचा का इलाज करवाने के लिए ना जाने कैसे कैसे उपचार करवाते हैं। कोई क्रीम लगाता है, कोई लोशन लगाता है, लेकिन नॉर स्किन ट्रीटमेंट है जो बहुत ही तेजी से इस दुनिया में फैल रहा है, और उसे हम ईल्स ट्रीटमेंट कहते हैं। और चाइना में रहने वाले जैन नामक व्यक्ति कुछ ऐसा ही इलाज अपनी त्वचा का करवा रहे थे, पर इनके केस में हालत कुछ बिगड़ने लगी। वो अपने पैर ईल्स से भरे पानी में रखकर सो गए, तो पानी में तैर रही एक ईल्स ने थोड़ा घूमने का विचार बनाया, और वो जैंग के पैर से होते हुए उनके यूरेथ्रा में जा पहुंची। और जब जैंग को ये महसूस हुआ कि ईल उनके अंदर घुस चुकी है, तो शर्म के मारे उन्होंने ये किसी को नहीं बताया और खुद ही उसे निकालने लग गए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ईल की त्वचा बेहद चिकनी होती है, जिससे वो हाथ से फिसल जाती है, और हालात बिगड़ने के बाद जैंग को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने ऑपरेशन से ईल्स तो निकाल दी, लेकिन जैंग ने आगे से किसी भी स्पा सेंटर में जाने से मना कर दिया। लोआ लोआ। क्या आपने कभी अपनी आंख को ध्यान से देखा है? जाहिर सी बात है, देखा ही होगा, लेकिन क्या कभी आपको अपनी आंख में कोई कीड़ा दिखाई दिया? मेरे ख्याल से आपका जवाब ना ही होगा, और आपने शायद इस फोटो को पहले भी इंटरनेट पर देखा हो। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। आंख में घुसे इस कीड़े का नाम लोआ लोआ है। बुरी खबर ये है कि ये इंसानी शरीर को ही ज्यादातर अपना घर बनाता है, और अच्छी खबर ये है कि ये सिर्फ अफ्रीका में पाया जाता है। दरअसल ये कीड़ा मैंगो फ्लाई मक्की के पेड़ से निकलता है, और अगर कोई इंसान इसके संपर्क में आता है तो ये तुरंत उस इंसान के शरीर को अपना घर बना लेता है। और किस्मत से अफ्रीका में ऐसी दवाइयाँ अब आ चुकी हैं जिससे ये कीड़ा शरीर के अंदर ही मर जाता है, पर ये सच में डरावना था।
टिक्स। इस धरती पर आप चाहे जहाँ मर्जी रहते हो, हर जगह उस जगह की सरकार वहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक सूचना जारी करती है, और वो ये कि अपने आसपास जानलेवा मच्छरों और कीड़ों से बचकर रहें। और टिक्स ऐसे ही जानवरों में से एक है। वो न सिर्फ बीमारियाँ फैलाता है बल्कि वो बीमारियाँ जानलेवा होती हैं। लेकिन टिक्स कभी भी सीधे सीधे किसी इंसान के शरीर में नहीं जा सकते। ये बस आपके शरीर पर बैठते हैं, खून चूसते हैं और खून चूस चूस कर अपना सर पूरा भर लेते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ खून पीते हैं और क्या ये खून पीकर चले जाते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत से केस देखे गए हैं जिसमें लोगों की नाक से टिक्स निकाले गए हों। ये कीड़े लोगों की नाक में घुसकर अंडे देने के बड़े शौकीन होते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।